में माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे प्रिय श्रीमान श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने दो काम बहुत अच्छे किए हैं जो मेरे मन पसंद के हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, धाम नाम से कोई भी कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, हमारे चारों धाम अक्षुण रहेंगे, इनके साथ कोई छेड़छाड़ पूरे विश्व में भारत में नहीं करेगा, न इनके नाम से कोई ट्रस्ट बनेगा, न इनके नाम से कोई मंदिर बनेगा। तो मैं माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं उत्तराखंड ज्योतिष परिषद की ओर से। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि हिंदू कल्चर पढ़ाया जाएगा, हिंदू स्टडीज पढ़ाई जाएगी, जो हमारे आध्यात्मिक चेतना है, वेद है, पुराण है, वेदांग है, जो हमारे छह शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, उनको पढ़ाया जाएगा। हिंदू कल्चर की पढ़ाई किसी विश्वविद्यालय में कराई जाएगी। उसके लिए भी मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनका अभिनंदन उत्तराखंड ज्योतिष परिषद की ओर से। मैं आचार्य रमेश सेमाल बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। हिंदू कल्चर को पढ़ाया जाना उत्तराखंड देवभूमि में, जहाँ ज्योतिर्मठ ज्योतिष पीठ भी है, तो मैं तो पहले कहता हूँ यहाँ ज्योतिष पीठ बनाई जानी चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा कार्य किया है कि हिंदू कल्चर किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा, जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू संस्कृति के मापदंड हैं, जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, गीता है, भागवत है, श्री रामचरितमानस है, उसको पढ़ाया जाएगा। तो हिंदू कल्चर की पढ़ाई पूरा विश्व जानेगा कि उत्तराखंड में ये शोध केंद्र खुल रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के इन दो निर्णयों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड ज्योतिष परिषद से परिषद की ओर से उनका अभिनंदन, उनका स्वागत करता हूँ।